अगर आपकी कुंडली के संबंध में आपका कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म के स्थान की जानकारी जरूर दीजिएगा, मैं जल्द से जल्द जवाब दे। नमस्कार, मेरा नाम चंदन दुबे है। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। ये जो कुंडली आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली है। वैसे तो इस कुंडली में बहुत सारे ऐसे योग हैं जो उन्हें एक महान व्यक्ति बनाते हैं, लेकिन मैं आज इस कुंडली के बारे में एक विशेष बात आपको बताना चाहता हूँ, एक विशेष चीज पे ध्यान दिलाना चाहता हूँ। सबसे पहले, कोई भी कुंडली आप लोग देखते हैं तो सबसे पहले आप देखना शुरू करते हैं कि लग्न क्या है, कौन से ग्रह मजबूत हैं, कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं, किस प्रकार से बैठे हैं, किसकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है, कौन सी दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है। सबसे पहले आप लोग इन सब बातों पे ध्यान देते हैं, लेकिन मैं एक बहुत ही विशेष बात पे आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहता हूँ, वो है ग्रहों की डिग्रियां। देखने में तो ये एक सामान्य कुंडली लगती है, अब मैं आपको श्री नरेंद्र मोदी जी के ग्रहों की डिग्री दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो ल लिखा है ये लग्न है, तो जो लग्न है इनका वो 2 डिग्री में है, आप देख सकते हैं। अब ध्यान देते हैं यहाँ पे कि ये जो सूर्य है, ये सूर्य इनका 0 डिग्री में है। ये देखिए, सूर्य इनका 0 डिग्री में है। थोड़ा नीचे आते हैं तो देखते हैं कि इनका जो मंगल है, ये मंगल भी 0 डिग्री में है। उसके बाद इनके शनि पे आते हैं, शनि पे आते हैं तो हम देखते हैं कि शनि जो है वो 29 डिग्री में है ना विचित्र बात। सूर्य इनका 0 डिग्री में है, मंगल इनका 0 डिग्री में है, शनि इनका 29 डिग्री में है, एक ग्रह और भी है बुध, वो 0 डिग्री में है। देख रहे हैं ना आप, सूर्य, मंगल, बुध, ये तीनों 0 डिग्री में है, शनि 29 डिग्री में है। तो अब हमें ये जानने की जरूरत है कि जब भी कुंडली में ग्रह 0 डिग्री में या 29 डिग्री में बैठते हैं तो ऐसा क्या होता है कि व्यक्ति बहुत महान बन जाता है। जरूर कोई ना कोई राज तो इसके पीछे छुपा हुआ होगा, बिल्कुल है, और उसी की चर्चा इस वीडियो में की जाएगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुल मिला के 12 राशियां होती हैं, मेष से लेकर मीन तक, और हर एक राशि को 30 डिग्री दी गई है। तो 30 डिग्री है एक राशि की, 12 राशियां हैं, तो कुल मिला के होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री। उदाहरण के लिए ये एक कुंडली है, तो इस कुंडली में 12 घर होते हैं। एक पहला घर हुआ ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कुंडली में 12 घर होते हैं ये हम सब जानते हैं, और हर एक घर जो होता है उसे 30 डिग्री मिला है। तो 12 घर है तो कुल मिला के हो गया 360 डिग्री, यानी कि एक सर्कल। तो हर घर जो होता है वो 30 डिग्री का होता है। घर की शुरुआत होती है 0 डिग्री से, अंत होता है उसका 30 डिग्री पे। जैसे ये पहला घर है तो इसकी शुरुआत होगी 0 से और इसका अंत हो जाएगा 30 डिग्री पे। फिर जो दूसरा घर है वो 30 डिग्री से शुरू होगा थोड़ा आगे बढ़ के, और फिर इसका अंत हो जाएगा 60 पे। फिर 60 से ये शुरू होगा तो ये 90 तक जाएगा। इस प्रकार से ये घूमते रहता है, चलते रहता है, और टोटल 360 डिग्री बन जाता है। अब देखिए, जब भी कोई ग्रह 0 डिग्री में आएगा तो होता क्या है कि जैसे 0 डिग्री में कोई ग्रह आता है तो पिछले घर पे भी उसका कुछ इफेक्ट रह जाता है और अगले घर पे भी उसका कुछ इफेक्ट रह जाता है। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि मंगल जो है वो पहले घर में बैठा हुआ है 0 डिग्री में, अगर 0 डिग्री में बैठा है तो पहले घर का फल भी देगा और 12वें घर का फल भी देगा। अब अगर मान लीजिए कि मंगल पहले घर में बैठा है 29 डिग्री में, अगर 29 डिग्री में बैठा है तो पहले घर का फल भी देगा और दूसरे घर का फल भी देगा। तो आपने अभी देखा कि जब भी कोई ग्रह 0 डिग्री में, 29 डिग्री में या 1 डिग्री में भी रहेंगे तो क्या होता है कि वो 2 घर का फल देते हैं। ग्रह एक रहेगा लेकिन फल 2 घर का देगा। तो इस प्रकार के ग्रह जो होते हैं ये बहुत ही शक्तिशाली हो जाते हैं, क्योंकि 2-2 घरों का स्वामित्व उन्हें मिल जाता है। हालांकि यहाँ पे ये बात नोट कीजिएगा कि जिस घर में ग्रह बैठा हुआ है उस घर के फल वो ज्यादा देगा, और जो दूसरा घर है उसका फल 30% या 40% ही मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलता है। लेकिन फल मिलता है, फल मिलता है। एक ही ग्रह एक घर में बैठ के 2 घरों का फल दे देता है। इस प्रकार से एक ग्रह बहुत मजबूत हो जाता है। 0 डिग्री में है तो अपने से एक घर पहले का फल देगा, 29 डिग्री में है तो अपने से एक घर आगे का फल देगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी कुंडली भी देख सकते हैं, स्वयं की कुंडली भी देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज आप लोगों को कुछ अच्छा देखने को सुनने को मिला होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा।